अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बख़ैर होंगे। आज का जो अमल है, ये जो नक्श है, ये काफ़ी फरमाइशों के बाद मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये नक्श है बीबी को मायके से वापस बुलाने का तावीज़, वापस बुलाने का नक्श। अगर आपकी बीबी मायके में जाके बैठ गई है, वापस नहीं आ रही है, किसी बात पे नाराज़ हो के मायके चली गई है और वापस नहीं आ रही है, तो इस नक्श के ज़रिए से आप उसे वापस बुला सकते हैं। अक्सर होता है कि बीवियां नाराज़ हो के शोहरों से अपने मायके में जाके बैठ जाती हैं और पूरा घर परेशान हो जाता है उनको लाने के लिए, मगर वो किसी भी तरह से आने के लिए तैयार नहीं होती हैं। कभी कभी उनकी नाराज़गी जायज़ होती है, सही होती है, उनका जाना सही होता है। कभी कभी बिला वजह भी बीवियां घरों में जाके बैठ जाती हैं। तो अगर मेरे किसी भाई के साथ में कोई ऐसा हादसा हो गया है, जैसा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को कहां तक बताता फिरूँगा, मैं खुद इस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि लोग खुद करें, खुद ही फ़ायदा उठाएँ। तो अगर आपकी बीवी भी आपके मायके जाके बैठ गई है और वापस नहीं आ रही है, आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी, आपके हज़ारों जतन करने के बावजूद भी आपकी बीबी मायके से वापस नहीं आ रही है, तो आप ये अमल करें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बीबी मायके से वापस आ जाएगी। करना कुछ यूँ है कि आपको एक सादा कागज़ लेना है और रेड पेन लेना है, कोई लाल कलर का पेन ले लें या येलो कलर का पेन ले लें, उसके ऊपर से आपको इस तरीके से एक नक्श बनाना है। और सबसे पहले आपको ये नून लिखना है, फिर ये नून लिखना है, फिर ये नून लिखना है। उसके बाद में आपके अंदर एक बॉक्स बनाना है, सादे कागज़ से रेड पेन या येलो पेन से लिखना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये खाना पूर करना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। जब ये नक्श तैयार हो जाए, तो इस नक्श को बीबी जहाँ आपके घर में जहाँ सोती थी बीबी, उस चारपाई के नीचे, उस बेड के नीचे, उस तख्त के नीचे, उसके पाए के नीचे या जहाँ भी हो उसके नीचे दबाना है इस नक्श को। अगर वो बेड है, बेड के पाए में दबा दें, किसी भी पाए में दबा दें, बेड को उठाएं, उसके नीचे ये नक्श फोल्ड करके रख दें। अगर चारपाई है तो चारपाई के नीचे रख दें, अगर कोई तख्त है जहाँ वो सोती थी तो उनके नीचे रख दें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर बीबी आपके बिस्तर पर होगी, यानी कि वो वापस आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, कुछ लोगों की ये भी दिक्कतें होती हैं कि उनकी बीवियां उनको शोहर वाला हक नहीं देती हैं, बीवी वाला हक नहीं देती हैं, तो वो सब भी हो जाएगा। बस ये अमल करें, ये नक्श दबा दें उस चारपाई पे जहां वो सोती थी या उस जगह पे जहां वो सोती थी वहां दबा दें। बस 3 दिन के अंदर अंदर वो वापस आ जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर से ही उनका फ़ोन आएगा या जो भी होगा, और रब्ता करेंगे आपसे आने के लिए, खुद ही दरख्वास्त करेंगे। ये था अमल छोटा सा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और वीडियो में मिलता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई और मसला हो तो मुझे इस नंबर पर बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।